नमस्कार दोस्तों, इंट्राडे टेक मुंबई में आपका कोटि कोटि आभार, बहुत बहुत स्वागत है। आई मस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इंट्राडे टेक मुंबई। दोस्तों, अगर पहली बार आए हैं इंट्राडे टेक मुंबई एमबीए बीके सिंह चैनल में, तो हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आइए हम बताते हैं आपको टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और टाटा कॉफ़ी और टाटा एलेक्सी, ये तीनों एक दूसरे में समाने जा रहे हैं। दोस्तों, मतलब कि मर्ज होने जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और जो लोगों ने कमेंट किया है कि क्या सर ये सच्चाई है, तो ये सच्चाई ये क्या है, आइए हमारे इस वीडियो में बता दें दोस्तों। और इस तरह की आपको जो भी कहीं से भी सूचना मिलती है, उसकी पूरी हम एनालिसिस और जांच पड़ताल करने के बाद आपको 100% नीट एंड क्लीन, आपको साफ सुथरा, आपकी भ्रम को दूर कर देंगे इस वीडियो में। दोस्तों, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, टाटा कॉफ़ी और टाटा एलेक्सी, ये तीन कंपनी है, टाटा ग्रुप की हैं, लेकिन तीनों का अलग अलग नेचर ऑफ वर्क जो है अलग है। इनके सीईओ अलग हैं, इनके डायरेक्टर अलग हैं, इनके जो भी मैनेजमेंट है अलग है, इनकी मार्केट कैप अलग है, इनकी मार्केट की जो फंडामेंटली स्टेटस है वो अलग है, और ये सेक्टर भी अलग है। दोस्तों, टाटा एलेक्सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर का स्टॉक्स है, और ये टाटा एलेक्सी हमें आशा है जहाँ तक दो साल से जो हमने उस समय से मैंने आपको बताया जब ये 5400 का स्टॉक था दोस्तों, और हमने बोला था कि 10000 पार करके दिखा दूंगा। दोस्तों, चलिए वो तो बात अलग हुई, पहले तो ये मर्ज वाली बात कहाँ से आ गई। दोस्तों, इस तरह की कोई भी कहीं भी अगर आता है तो इस भ्रम में न रहिए। अगर आपके पास टाटा एलेक्सी है तो टाटा एलेक्सी की रहेगा, मर्ज होना और ये एक दूसरे में समा जाना ऐसा इतना आसान नहीं होता दोस्तों, और जब इतना आसान रहता तो फिर इसके बहुत सारे सिस्टम हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं, जब मर्ज होगा तो उसकी क्या टर्म कंडीशन होता है, ये चीज़ को जानना जरूरी है। दोस्तों, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट वर्ल्ड का चौथा स्टॉक होने वाला है, और ये सेपरेट रहेगा, एफएमसीजी का स्टॉक है। दोस्तों, ये किसी में अभी मर्ज होने की कोई भी सूचना हमारे पास तो नहीं है। दोस्तों, अगर आपके पास है तो ज़रूर हमें कमेंट में बताइए, जिन्होंने कमेंट किया है वो सुन लीजिए, आपको मैं बता दूँ इंट्राडे टेक मुंबई एमबीए बीके सिंह आपको 100% श्योर करते हैं कि मर्ज होने की कोई भी सूचना नहीं है। दूसरी तरफ आपको मैं बता दूँ, टाटा कॉफ़ी की बात हो गई थी, टाटा कॉफ़ी का अपना प्रोडक्शन आपको नहीं पता तो जान लीजिए, दार्जिलिंग और असम में उसकी अपनी जो टाटा टी, टाटा कॉफ़ी जो स्टॉक का नाम है, जो शेयर की खरीद बिक्री होती है, जो कंपनी है टाटा कॉफ़ी, वो भी अलग कंपनी है, वो भी एफएमसीजी में ही आता है, लेकिन उसका नाम है टाटा कॉफ़ी, और ये टाटा कॉफ़ी का नाम जो है वो प्रोडक्ट सेपरेट सेल्फ उसका बिजनेस है, और ये भी कोई भी किसी में मर्ज होने की कोई भी खबर हमारे पास तो नहीं है। दोस्तों, आ गया अब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात करते हैं, टाटा एलेक्सी की बात करते हैं, तो टाटा एलेक्सी अपने आप में एक महारथी, जंगल का शेर, TCS के बाद इसका दूसरा स्थान है दोस्तों टाटा एलेक्सी, और टाटा एलेक्सी भारत की रीढ़ की हड्डी है। और टाटा एलेक्सी का जन्म कब हुआ, टाटा एलेक्सी क्यों आया, टाटा एलेक्सी किसने लाया, एलेक्सी किसने लाया, ये टाटा एंड ग्रुप ऑफ कंपनी की देन है दोस्तों, JMD जमशेद टाटा जी की देन है, जो आज एलेक्सी जो आप देख रहे हैं आईटी सेक्टर का बेताज बादशाह है, भले वो आज गिरावट में, लेकिन आने वाले समय में इसकी क्या रंग रूप है वो हम जानते हैं, आप भी जान लीजिए।
तो मर्ज की तो बात हो गई दोस्तों, क्लियर हो जाइए, कोई भी मर्ज होने की जरूरत नहीं है और ना ही अभी होने की कोई संभावना है, ऐसी कोई भी किसी की सूचना नहीं है। आइए दोस्तों, एफएमसीजी की बात हुई, तो एफएमसीजी की बात जब होती है दोस्तों, तो 2 साल पहले देश की टॉप इंडस्ट्रीज और एशिया का टॉप 5 इंडस्ट्रीज, गौतम अडानी एंड ग्रुप कंपनी, जो लोगों को 2 साल में जो लोगों को स्टॉक मार्केट में तो मालामाल किया ही दोस्त, देश के आत्मनिर्भर भारत को बनाने में अडानी ग्रुप का जो योगदान है उसको न तो आपको भूलना चाहिए और न हम तो कैसे भूल सकते दोस्त। ये कंपनी देश की सेवा में लगा हुआ दोस्तों, और देश की सेवा में लगने का मतलब जानते हैं, लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार दिया सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में दोस्तों, और इसका इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो भारत के अब दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश का जो नाम आ रहा है, इसका सबसे बड़ा योगदान कहिए, बहुत बड़ा योगदान कहिए, बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ अडानी ग्रुप। आई सैल्यूट टू ऑफ दिस कंपनी टू कंपनी ऑनर गौतम अडानी जी को, एमबीए बीके सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने देश के नौजवानों पे जो भरोसा जताया है वो भरोसे को आपको जरूर परिणाम मिलेगा। दोस्तों मैं बता दूँ, 2 साल में स्टॉक मार्केट में जो कमाई हुई है स्टॉक मार्केट में, आपको नहीं पता है जो बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं दे पाई दोस्तों। एवरेज निकालेंगे तो आज तक का इतिहास में अडानी ग्रुप का कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो 1000% से कम प्रॉफिट दिया दोस्तों, ये 2 साल में आप देख लीजिए। तो अडानी इंटरप्राइजेस नाम एक नंबर पर आता है दोस्तों, और उसी का एक बच्चा है अडानी विलमार, वो भी आने वाले समय में, और अडानी पोर्ट और अडानी विलमार, ये 2 कंपनी हमारे रडार पे 6 महीने से है दोस्तों, और 6 महीने के बाद फिर देखिए क्या होता है। देश में ग्रीनिज और देश की एनवायरनमेंट को दुनिया में नंबर एक बनाने के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस का जो योगदान है वो किसी से छुपा नहीं दोस्तों, तो ये है। और फर्श से अर्श तक कौन जानता है, कौन जाता है, कौन जानता है और कौन जाता है, ये अच्छी तरह हम जानते हैं दोस्तों, आप भी आज जान लीजिए दोस्त। जी हाँ, आपके कर्म, आपके जो एक्शन है, आपकी जो अंदर नियत है उस कर्म के, उस वर्क के प्रति, उसी के अनुसार रिजल्ट मिलता है दोस्त। जी हाँ, और ये अडानी ग्रुप ने करके दिखाया दोस्त। आने वाले समय में अडानी ग्रुप का अभी तो शुरू हुआ है, ये तो शुरुआत थी दोस्तों, असली अडानी ग्रुप की जवानी तो अब शुरू हुई है दोस्त। जी हाँ, अभी अडानी ग्रुप की कंपनियों की जवानी शुरू हुई है, और जवानी का मतलब जानते हैं, पावर, स्ट्रॉन्ग और एफर्ट, एनर्जी, सभी के सभी पूरा फोर्स देश के नौजवानों ने लगा दिया इस कंपनी के लिए, और कंपनी को कभी भी निराश नहीं करेंगे, ये हम नहीं कह रहे दोस्तों, ये डाटा कह रहा है, ये ग्लोबल न्यूज कह रही है कि अडानी का जो योगदान है। उसी के बाद एक नाम आता है दोस्तों जो हमारे लिए फेवरेट मेरा स्टॉक है, एल्युमिनियम सेक्टर का। जी हाँ, एल्युमिनियम सेक्टर का वो स्टॉक है, आप नहीं जानते तो जान लीजिए। उसके साथ PSU का भी एक स्टॉक, सरकारी एक कंपनी आता है,
जब भी मेरा 2 साल के वीडियो देखेंगे, जब भी एल्युमिनियम का आता है तो नंबर वन में रहता है मेरा दोस्तों हिंडाल्को इंडस्ट्रीज इज द बिगेस्ट स्टॉक ऑफ एल्युमिनियम मेटल सेक्टर। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के बाद साथ ही माता नाल्को। जरूर कुछ ऐसे हमारे सेंटेंस हैं जिसके साथ जरूर आता है दोस्तों, जैसे कि एम एम फॉर्गिंग्स का नाम ये तो आर के फॉर्गिंग्स जरूर आएगा, BMW सोनाटा सॉफ्ट प्रेसिडेंस सोना BLW प्रेसिडेंस फॉर्गिंग्स, ये तीनों एक साथ नाम आता है दोस्तों। अगर फर्टिलाइजर का नाम लेंगे तो चंबल फर्टिलाइजर, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एंड केमिकल्स एंड राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स और टाटा केमिकल्स, ये सब आते हैं। IRCTC का नाम लिए तो SBI कार्ड आएगा, बैंकों का नाम लिए तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ साथ केनरा बैंक और ये इंडियन बैंक का नाम आएगा। और देश का सबसे बड़ा बैंक जानते हैं कौन है, छुपा क्या है SBI देश का नहीं, ये तो इंटरनेशनल बैंक है, 252 साल पुराना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों, नहीं जानते तो जान लीजिए, 252 साल पुराना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये कंपनी है। और पूरी सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में है दोस्तों, ये इंटरनेशनल बैंक है, आप नहीं जानते तो जान लीजिए, तो इसकी बात ही करना दोस्तों। तो चलिए कल क्या होगा और कल की कमाई किस में होगी आज ही जान लीजिए। तो लिख लीजिए दोस्तों, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इंदूस टावर, अडानी इंटरप्राइजेज, लार्सन एंड टीब्रो के बाद आपको आता है, वो भी हम आपको बता दें बिना टाइम गवाए। लार्सन टीब्रो के बाद ICICI बैंक और नाइका को भी कर रडार पर रख लीजिए, भारतीय एयरटेल को रख लीजिए, HDFC लाइफ, SBI लाइफ और GIC और NIA नेशनल एश्योरेंस लिमिटेड कंपनी जो PSU स्टॉक है। उसके बाद रख लीजिए टोरेंट फार्मास्यूटिकल, पावर ग्रिड, PGCI और UPL, बायोकॉन DLF और PD लाइट इंडस्ट्री, अडानी पोर्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड पंजाब नेशनल बैंक, डाबर इंडिया, एक्सिस बैंक को भी रख लीजिए रडार पर दोस्तों, और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी कल रडार पर रख लीजिए। जिसको भी इंट्राडे करना है सभी के सभी स्टॉक रडार पर रखिए। और दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप स्टॉक मार्केट में आए दोस्त, मैं रिक्वेस्ट इसलिए करता हूं दोस्तों कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो नुकसान हुआ 3 साल 17-18 साल पहले जो 3 साल मेरा नुकसान हुआ वो आपका नहीं हो। ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है, हमें ये गम नहीं है दोस्तों कि 1 लाख अभी तक सब्सक्राइबर नहीं हुआ, अभी तक हो जाना चाहिए, कोई गम नहीं है ना कोई मुझे अफसोस है दोस्तों। हम जो करने आए हैं हम वही करेंगे, हम जिस रास्ते पे चले हैं अपना रास्ता बनाकर हम उसी रास्ते पे चलेंगे, हम अपने रास्ते पे चलाने आए हैं, जिसको चलना है चलेगा और जो चलेगा वो वहाँ तक पहुँचेगा, और जब पहुँचेगा तब पता चलेगा कि उसके बाद जो पहुँचेगा वो खुद पीछे वाला को बोलेगा दौड़ के आ जल्दी आ। और ये हम जानते हैं दोस्तों, हम अपने आप को पहचान गए, आप भी अपने आप को पहचान लीजिए जी, इसलिए कि आपसे बड़ा आपका जो मकसद है जो आप करने आए हैं उससे बड़ा प्लानिंग और उसके अनुसार चलने के लिए दूसरा कोई भी दुनिया का दिमाग नहीं बता सकता। ये आपका दिमाग आपको ही चला सकता है और आप ही वहाँ तक पहुँच सकते हैं, रास्ता ये बताएगा दूसरा कोई नहीं बताएगा दोस्तों, दुनिया का कोई ताकत नहीं आपको रोक सकता, सिर्फ और सिर्फ आपके सिवा, आपने ठान लीजिए, आपने बता दिया, जिस दिन इसको कह दिए कि मैं तैयार हूँ, जब कहो, सुबह कहो, शाम कहो, दोपहर करो कहो, बारिश हो, धूप हो या हो कड़ाके की ठंड,
या हो हिमालय की बर्फ की चोटियाँ, या हो सागर की गहराई, या हो जंगल की झाड़ियाँ, जहाँ भी कहो मैं तैयार हूँ, बोलेगा चल जा। तो स्टॉक मार्केट में दोस्तों 3 साल आप समय दीजिए, और 3 साल समय देने के बाद आ जाइए हमारे साथ इंटरडेटेक मुंबई MBA BK सिंह के साथ, और फिर देखिए एक ट्रेड आपकी ज़िंदगी बदल देगा दोस्तों।